Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया आपका दोस्त सोमेन गोस फिर से प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है चांद सितारे वाली पतंग बनाने जा रहे हैं, और चांद सितारे वाली पतंग को बनाने के लिए किन किन सब चीज़ों की ये हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ये हम अभी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चांद सितारा पतंग को बनाने के लिए आपके पास इस तरह का एक फरमा होना चाहिए। ये देखिए, ये मेरे पास फरमा है। अगर आपके पास फरमा नहीं है, अगर आपको फरमा नहीं काटना आता है, तो फ्रेंड्स इस तरह से मार्केट से आप बहुत एक अच्छी पतंग ले सकते हैं और इसी को ही फरमे का आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इस पतंग की जो पूँछ होती है, पूँछ को कैंची से काट देना है, और कैंची से काटने के बाद पतंग इस तरह से दिखेगी और यही फरमा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको फरमा का तरीका बता दिया। ये तो आप मार्केट से पतंग ले लीजिए, उसका ही फरमा बना लीजिए, या तो आप फरमा अगर बनाना आता है तो आप अपना खुद फरमा बना सकते हैं। ऐसे मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस के अंदर दिखा चुका हूँ कि फरमा किस तरह से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो आज चांद सितारा वाला पतंग बनाएंगे, उसके लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे इस तरह का जो है आपका कार फिल्म, जो गाड़ियों के शीशों में लगने वाला फिल्म होता है, और इससे हमने पहले भी बहुत सारी पतंगें बनाई हैं और आप लोगों को बना करके दिखाया। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से हम जो है एक पतंग लेकर के रख देंगे जो कि मार्केट की होगी, और इसको जो है हम लोग पेन से निशान लगा लेंगे। अभी मैं आपको इसके ऊपर निशान लगा करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लिया मैंने एक मार्कर पेन, और ये मार्कर पेन है मेरे हाथ में, और मैंने पतंग को रख दिया इसके ऊपर। इसको फ्रेंड्स फिल्म कहते हैं, और ये बहुत महंगा नहीं आता है। और फ्रेंड्स, पहले ये फिल्म बहुत महंगा आता था, पर आजकल महंगा नहीं आता है, अब ये बहुत सस्ता हो गया, क्योंकि गाड़ी के शीशों में फिल्म लगाना जो है बैन हो चुका है। इस करके जो है ये गाड़ी के शीशों में नहीं लगता है, तो हमारे जैसे जो है काइट लवर्स लोग इससे पतंग बनाने लग गए हैं, और इससे मैंने बहुत सारी पतंग बनाई हुई है। फ्रेंड्स, ताजमहल काइट भी इस पर बनाया है, और फिर हमने जन्माष्टमी में भी इस पर पतंग बनाया था, होली पे भी इस पर पतंग बनाया था फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैंने इसके ऊपर सारा ये निशान लगा ले रहा हूँ, और निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स इसकी कटिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कटिंग करने के बाद ये कैसा दिखता है। ये मैंने चारों तरफ से इसका निशान लगा दिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें निशान लग गया, आप देख सकते हैं, बहुत हल्का हल्का आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सारा निशान लग गया है। अब इसकी कटिंग करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम जो हमारे पतंग का शेप है, उसी शेप का ये निकल आया फिल्म। ये देखिए, अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं, और ये स्काई ब्लू कलर का बहुत प्यारा कलर है, और ट्रांसपेरेंट भी है ये एकदम से। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम आपको चांद किस तरह से काटते हैं, चांद भी हम आपको दिखा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये सब जो मैं मेथड आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ऑर्डिनरी, हर कोई इसको अपने घर पे कर सकता है। जैसे काइट मेकर्स तो बहुत दूसरे तरीके से बनाते हैं वो लोग, और उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर जिस मेथड से मैं आप लोगों को समझाऊँगा, वो मेथड बहुत ही सिंपल और बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, अब चांद काटने के लिए आपके पास दो इस तरह का पेपर थाली होना चाहिए, और थाली एक बड़ी और एक छोटी, आप देख सकते हैं दोनों साइज में फ़र्क है, एक थोड़ा सा बड़ा एक छोटा है। तो ये जो बड़ी वाली है, इसको हम लोग इस तरह से, ये भी एक फिल्म है फ्रेंड्स, और ये सिल्वर कलर की फिल्म है, और इसमें हम लोग इसके ऊपर रख करके अगेन निशान लगाएंगे, और निशान लगा करके बिल्कुल इसी जैसे हम पेन से जो है इस पर निशान लगा लेंगे, और निशान लगा करके हम लोग कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल प्यारा सा चांद निकला है, एकदम गोला सा सिल्वर कलर का, और ये देखिए, और बिल्कुल इसी साइज़ का ही है, जिस साइज़ की हमारी ये बड़ी वाली थाली थी, इसी साइज़ की है। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स, ये छोटी वाली जो थाली है, इस छोटी वाली थाली को हम लोग इसके ऊपर रखेंगे, और रखने के बाद जो है फ्रेंड्स, अगेन हम इस पर चारों तरफ से निशान लगाएंगे। ये देखिए, मैं निशान लगा रहा हूँ, और ये निशान लगा दिया, ये निशान लग गया फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं इस पे निशान लगा हुआ है। अब इसकी कटिंग करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना प्यारा सा चांद निकल करके आ गया, और एकदम एक्यूरेट कटा है, बिल्कुल एकदम आप देख सकते हैं। इसको जो है हम लोग पतंग के ऊपर जोड़ेंगे। अब पहले लेकिन फ्रेंड्स एक पूंछ काट लेते हैं। ओ, चांद उड़ रहा है, उड़ने वाला चांद बन गया ये तो। और फ्रेंड्स, एक पूंछ काट लेते हैं लगे हाथ, और पूंछ काटेंगे हम लोग इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ऐसे करके हम इसको काट लेंगे, और काट करके अभी हम लोग आपको दिखाते हैं इसकी पूंछ ब्लैक कलर की हम लोग लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा सा इसका पूंछ भी निकल आया है, और अगर हमको इसको डिज़ाइनर पूंछ बनाना होगा तो इसमें हम थोड़ा सा झालर सा काट देंगे तो डिज़ाइनर पूंछ भी बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब हम लोग लगा करके देखते हैं, रख करके देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। अगर हम इसके पूंछ को यहाँ पर फंसाएंगे,
ये देखिए यहाँ पे अगर हम फंसाएंगे तो कुछ कुछ ऐसा आएगा, और चांद को अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये देखिए चांद ऐसा आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत बनने जा रहा है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये जो कार फिल्म होता है, जो जिसको कि कार के शीशे में लगाया जाता है, सबसे पहले इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे पतंग बनाना मैंने ही लोगों को सिखाया, मेरे से पहले किसी ने भी नहीं सिखाया। बहुत बड़े बड़े काइट मेकर्स हैं लेकिन उनके दिमाग में ये बात कभी भी नहीं आया कि आप काइट इस फिल्म से भी आप पतंग बना सकते हैं, काइट्स बनाया जा सकता है। और ये चीज़ मैंने सबसे पहले आज से 3 साल पहले बनाया था। और इसको जोड़ते हैं फ्रेंड्स, पानी से जोड़ते हैं, यह भी अद्भुत चीज़ है। इसको जोड़ने के लिए आपको किसी भी किस्म की जो है गोंद वगैरह या लेई की या फेविकॉल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली पानी से जुड़ जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग इसको आपको जोड़ते हैं, जोड़ करके दिखाते हैं कि कैसे जुड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए ये बॉटल में पानी है और ये स्प्रे हम करेंगे, आपको दिख रहा होगा। इस पतंग को हम दूर हटा दें थोड़ा सा, नहीं तो सर मेरे को भी दूर कर दें। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर मैंने पानी डालना शुरू कर दिया और ये पानी से ही जुड़ता है, इसलिए इसको पानी से बहुत अच्छी तरह से जो है। और फिर इसके बाद क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा जो है साफ करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साफ हो जाएगा। इसमें से हम पानी निकाल देंगे और ये साफ हो गया फ्रेंड्स एकदम से। और अब इसके ऊपर जो है हम लोग चांद को जोड़ेंगे। और ये देखिए चांद पे भी हम पानी का स्प्रे कर दे रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। इस पर मैंने स्प्रे कर दिया, अगेन इस पर स्प्रे करेंगे हम, एक बार और करके गीला कर देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से ये गीला हो गया। अब चांद को उठाते हैं और चांद को उठा करके अब इस पर जोड़ना है। और जोड़ेंगे कैसे आपको दिखाता हूँ वो जोड़ करके अभी मैं आपको। और बहुत सावधानी से फ्रेंड्स इसको जोड़ना पड़ेगा हमको। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये सेंटर पे आ गया। और क्या है कि इसको हम लोग धीरे से बिल्कुल बहुत प्यार से फ्रेंड्स इसको ज़्यादा खींचातानी ना करते हुए, और ये मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है। और ये देखिए है ना अद्भुत चीज़, पानी से जुड़ गया ये फ्रेंड्स, और इतना पक्का जुड़ गया कि ये जो है अब कभी भी इसको आप खोल नहीं पाएंगे, कितना भी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स ये नहीं खुलेगा। और इसके नीचे का पानी निकाल देता हूँ, जो इसके नीचे पानी है। और जो कार फिल्म है इसी तरह से कुछ कुछ लगाया जाता है, और ये बहुत ही पक्का हो गया। तो चलिए ये काम हो गया फ्रेंड्स। अब जो है यहाँ पे एक हमको जो है सितारा जोड़ना पड़ेगा, और इसका सितारा भी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये गोल्डन पेपर है, और इस गोल्डन पेपर से हमने एक स्टार काटी है। और स्टार काटना पहले आप लोगों को कई बार दिखाया मैंने, ये देखिए स्टार है बड़ा प्यारा सा, और ये स्टार यहाँ पर चिपक जाएगा। अभी हम लोग आपको स्टार लगाते हैं और लगा करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस पर स्टार भी हमने लगा दिया, ये स्टार लग गया है। और अभी इसके सराउंडिंग चारों तरफ छोटे 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 बहुत छोटे छोटे स्टार लगाएंगे। ये बड़ा स्टार है और ये चांद के बीच में बिल्कुल बीचों बीच स्टार आ गया। तो फ्रेंड्स अब ये ठट्टा और कमान लगाने की बारी है। फ्रेंड्स ये देखिए अब इसमें हम ठड्डा और कमान लगाने लग रहे हैं, और ये ठड्डा और कमान जो है ये पेंटेड है, और टारपिन ऑयल में भिगोने के बाद इसको पेंट किया गया है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से इसमें कभी भी घुन नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स इसके ठड्डा और कमान जो है 50 साल भी अगर ये पतंग रखा रहेगा तो इसमें घुन नहीं लगेगा, और ये जो है पेपर, ये जो आपका सीट है ये कभी भी नहीं फटेगा। तो फ्रेंड्स इस पतंग की लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, ये 50 ईयर्स से भी ज़्यादा इसकी लाइफ होगी। और इसको हम लोग इस तरह से अभी लगाएंगे और लगा करके आप लोगों को दिखाते हैं। बिल्कुल एकदम परफेक्ट इसका जो है कमान और ठड्डा है, और इसको हम लोग लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस पर हम ठड्डा लगाने लग रहे हैं, और ये देखिए ये ठड्डे को जो है बिल्कुल एकदम बैठा दिया जा रहा है इस पे। फ्रेंड्स ये ठड्डा भी अपने आप ही चिपक जाएगा, ये देखिए फ्रेंड्स ये ठड्डा जो है ये बिल्कुल इस पे बैठ गया, आप देख सकते हैं ये ठड्डा हमने इस पे बैठा दिया। अब जो है कमान की बारी है, और कमान भी फ्रेंड्स बहुत परफेक्ट एकदम बनाया गया है। थोड़ा सा पहले आउट हो गया था तो इसको हम लोगों ने छील लिया था, छील करके एकदम सही कर लिया। तो इसका फ्रेंड्स अब हम लोग जो है कमान लगा करते हैं, लगा करके आप लोगों को दिखाते हैं।
फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे जो है हमने इसका जो है कमान को पकड़ा दिया है और कमान यहाँ पे पकड़ चुका है। तो फ्रेंड्स अब कमान को इधर लगाने की बारी है, तो मैं कमान को इधर उठा करके ले करके आता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से, और जो है इसको इसके ऊपर जो है इसको घुमा देता हूँ। और भैया ये हो गया है पकड़, और बहुत अच्छी तरह से पकड़ हो गया फ्रेंड्स, ना भी ये हिलेगा ना डुलेगा क्योंकि इसकी पकड़ जो है बहुत मजबूत है। फ्रेंड्स अब जो है इसमें 5 इंच पे हम लोगों को टेप लगाना है, और मैं यहाँ से नाप लेता हूँ 5 इंच मेरा को यहाँ पे मिल गया है, और ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया, और निशान लगाने के बाद जो है इस टेप को जो है हम यहाँ पे लगा देंगे। और ये मैंने पेपर उठाया, तो फ्रेंड्स ये हमने इसकी करा दी पकड़। फ्रेंड्स अब इधर भी निशान लगाएंगे 5 इंच पे, और 5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, और तो फ्रेंड्स 5 इंच पे, और यहाँ पे हम लोग जो है एक और टेप तोड़ लेंगे, और ये देखिए एक टेप तोड़ लिया हमने, और ठीक यहाँ पे हम 5 इंच पे जो है इस निशान पे हम लोग टेप लगा देंगे, और ये टेप हमने उधर से पकड़ करा दी और इसको इधर रैप कर दिया। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है पूरा तैयार हो गया। अब इसको जो है पूंछ लगा करके हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए इसका पूंछ है, और इसके अंदर जो है कुछ हम डिज़ाइनिंग वर्क कर देते हैं, और डिज़ाइनिंग वर्क करने के लिए फ्रेंड्स इसको देखिए यहाँ पे हम फोल्ड कर ले रहे हैं, और फोल्ड करने के बाद जो इसको बीच में से एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब जो क्या है कि यहाँ से थोड़े थोड़े से बारीक बारीक से कर्वदार खांचा निकाल देंगे, और ये देखिए फ्रेंड्स जो हमने खांचा काटा था फ्रेंड्स उसी पे ही खांचे पे हम लोग इसको बैठा करके, और इधर का हिस्सा तो हमने चिपका दिया। ये देखिए सब कुछ जो है फ्रेंड्स ये पानी से चिपका है, और थोड़ा सा यहाँ पे पानी और डालना पड़ेगा मेरे को क्योंकि ड्राई लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा पानी डाल दिया, और डालने के बाद जो है इसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इधर का बैठ गया, और उधर का भी बैठा करके अभी आप लोगों को दिखाते हैं और कैसा दिखता है पतंग ये। तो फ्रेंड्स हमारा पतंग दिखता है ऐसा। ये देखिए फ्रेंड्स ये बनके तैयार हो गया है, इधर से ऐसा दिखता है, और इस तरफ से कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए आप ऐसा दिखता है। तो अभी इसमें कुछ काम और बाकी है, वो काम सीक्रेट है, वो काम अभी हम आपको नहीं दिखाएंगे, वो काम हम आपको बाद में करके दिखाएंगे। The next day. तो फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली हमारी पतंग बनकर के तैयार हो गई, और फ्रेंड्स इस पतंग को बनाने में हमारे को जो है काफ़ी टाइम लगा, और कल हमने शाम को 6:30-7 बजे इसको स्टार्ट किया था, और कल शाम को बहुत जल्दी अंधेरा हो गया था, और 20-25 मिनट के अंदर ही अंधेरा हो गया था। तो फ्रेंड्स इसको हम लोगों ने फिर बंद कर दिया था, हालांकि तब तक ये पतंग बिल्कुल बन करके तैयार हो गया था, पतंग में पूंछ वगैरह सब कुछ कमान ठट्टा सब कुछ लग गया था, लेकिन आप ये जो छोटे छोटे वाली स्टार देख रहे हो फ्रेंड्स ये नहीं लगा था, और इसके पीछे एक सीक्रेट मैसेज है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक मैसेज सीक्रेट रहेगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे, तो वो इसके कागज के पीछे है। तो फ्रेंड्स अभी चलिए इसका पर्दा उठने वाला है, और वो मैसेज क्या है वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। और हियर वी गो नाउ, और ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगा विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद, और ये ईद जो है आपका घर परिवार सब बहुत खुश रहें, बहुत अच्छी तरह से बहुत प्यार के साथ आप लोग जो है इसी को सेलिब्रेट करें। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ जहाँ पे भी सभी भारतीय हैं, और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं, सभी लोग इस ईद को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, ऐसी ही मैं शुभकामना आप लोगों को देना चाहूँगा। और फ्रेंड्स पतंग कैसा बना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा। और ये पतंग फ्रेंड्स उड़ाने के लिए नहीं बनाया गया है, इसको जस्ट हमने अपने जो हमारे पास जो काइट कलेक्शन है उसके अंदर रख देंगे, क्योंकि ऐसी पतंग उड़ाई नहीं जाती है फ्रेंड्स, ये बड़े प्यार से संभाल करके रखने वाली पतंग होती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इस वीडियो को मैं बंद करूंगा, मेरे वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर से एक बार आप लोगों को मैं ईद का विश करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद,
और इस ईद को बहुत अच्छी तरह से आप लोग सेलिब्रेट करें, यही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।